एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यूरिडिक्शन में जनवरी महीने में और नवंबर महीने में ऐसे दो वारदात हुए थे, जिसमें पहली वारदात में एक राह चलते हुए मुसाफिर को ज़बरदस्ती रिक्शा में बिठाकर लेके जाया गया और उसके साथ फिर उसे मारपीट करके उसका जो कैश और सोने के गहने थे वो चुरा लिए गए थे और उसे छोड़ दिया गया। जनवरी महीने में फिर इसी तरीके की एक घटना हुई कि जिसमें एक ऑटो को रोका गया दो आरोपियों ने और रोकने के बाद उसको बहाना बनाकर ले गए, उसको मारकर उसकी जो 5,000 रुपये थे वो निकाल के ले गए, जिसमें कि ये पीड़ित खुद एक सीनियर सिटीजन थे। ऐसे पहले केस का जो तहकीकात चल रही थी उसी दौरान ये दूसरी जो केस हुई इसमें भी उसी तरीके का एक मोड़स नज़र आया, जिसमें आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये इस एरिया के आरोपी दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी इसमें हमारे बोरीवली पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर, PI क्राइम और उनका स्टाफ अतिशय एकाग्रता से तपास कर रहे थे। इसमें ये जानकारी मिली कि ये आरोपी बाहर के हो सकते हैं, ऐसे रिकॉर्ड पर काम करने वाले कौन कौन हो सकते हैं और कहाँ के हैं, इसमें अलग अलग तरीके से तपास करके कुशलतापूर्वक दो आरोपी को हिरासत में लिया गया है राबोड़ी और कल्याण के एरिया में से। इन दोनों आरोपियों ने दोनों घटनाओं को अंजाम दिया है, ये कबूल हुआ है और इसी तरीके के अनेक वारदात इन दोनों आरोपियों ने इससे पहले किए हैं। इसमें एक आरोपी के खिलाफ 19 से ज़्यादा और दूसरे के खिलाफ 14 से ज़्यादा गुने अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग एरिया में इसी तरीके के लूटपाट के दाखिल। इनका मोडस क्या रहता था जिससे ये लूटपाट किया करते थे? ज़्यादातर चलते हुए किसी जिसके पास गहने या कुछ तो भी दिखता है कि जिसके पास इनके लिए चोरी करने के लिए कुछ सामान हो या दागिने या रकम हो, इस तरीके के आदमी को ये धमका के या फुसला के उसको रिक्शा में बिठा के ले जाके बाद में उसके साथ मारपीट करके पूरा साजो सामान उसका चुरा ले जाए।